नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सुविताज फूड रेसिपी पर। आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वह गाजर के हलवे की रेसिपी है और ये बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं, उसके बनाने के तरीके को जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो के करीब गाजर लिए हैं जिनको अच्छे से धोकर मैंने छील लिया है और अब हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। मैं गाजर को बड़े छेदों की साइड से कद्दूकस करूंगी। गाजर हमारी सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, बड़े हों या छोटे हों सभी को गाजर को खाना चाहिए। जिस तरीके से भी आप खा सकते हैं, सैलेड के रूप में या फिर जैसे भी आपको पसंद है लेना चाहिए आपको गाजर। इससे हमारी सेहत को, हमारे शरीर को बहुत ही फ़ायदा पहुँचता है। तो यहाँ पर मैंने गाजर को कद्दूकस कर लिया है और ये जो है रेसिपी देख लें आप। 1 कप चीनी है, 1 कप फुल क्रीम दूध है, 200 ग्राम के करीब मैंने खोया लिया है और देसी घी है और 1/2 कप के करीब ड्राई फ्रूट लिए हैं मैंने। यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून के करीब कढ़ाई में घी डाल रही हूँ। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। और इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इससे ये काजू थोड़े टाइट हो जाएंगे जो कि हलवे में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए बस हल्का हल्का बस इनको फ्राई करना है। और चलिए ये हो चुके हैं तब हम इनको निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब देसी घी और डाल दूँगी और इसी के साथ ही गाजर डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने जो फ्लेम रखा है वह मीडियम फ्लेम है और इस तरीके से बीच बीच में चलाते हुए इसको पकाना है। ये जो गाजर का हलवा तैयार होने वाला है ये बिल्कुल शादियों वाले गाजर के हलवे की तरह ही होगा, तो आप आगे आगे देखते जाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से पानी छूट रहा है और ये गाजर धीरे धीरे बैठती जा रही है नीचे। बस इसी तरीके से बीच बीच में चलाते रहना है इसको। यहाँ पर मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। इसमें हमें पानी की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि गाजर किस तरीके से गलेगी या कैसे गलेगी। ये दूध में और जो हम अभी चीनी डालेंगे उसमें भी काफ़ी पानी छूटेगा, तो उसमें ये गाजर बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम गल जाएगी जैसी हमें चाहिए हलवे में। तो आप आगे आगे देखें कि यहाँ पर मैंने ये चीनी डाल दी है इसमें दूध के डालने के थोड़ी देर बाद ही, और अब आप यहाँ पर देखें कि इसमें कितना पानी छूटेगा। ये देखिए इसमें कितना पानी छूट गया है, तो गाजर इसमें बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाएगी और हमारा हलवा बिल्कुल ऐसा तैयार होगा जैसे कि आपको बस ये लगेगा कि हाँ आप किसी फंक्शन में या शादी में ये हलवा खा रहे हैं, तो बस आप घर पर इस स्वाद का मज़ा जब चाहें आप ले सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसको पका रही हूँ और बीच बीच में चला रही हूँ इसको।
यहाँ पर मैंने 6 से 7 इलायची का पाउडर कर लिया था, वह डाल दिया है। और इसी के साथ मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी। वैसे तो ये हलवा इतना स्वादिष्ट होता है कि इसमें किसी भी ड्राई फ्रूट्स की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप अगर ना डालना चाहें तो ना डालें। ये बहुत ही स्वादिष्ट, फिर भी इसमें स्वाद बहुत ही आएगा और बहुत ही स्वादिष्ट होगा ये खाने में। तो आपको जैसे भी पसंद है, ड्राई फ्रूट्स के साथ या इसके बिना, आप वैसे बनाकर खा सकते हैं इसको। और इसी तरीके से चलाते हुए रहना है। आप देखेंगे कि इसमें पानी बिल्कुल सूख गया है। अब यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया है। इसमें हमें पानी नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, पानी को अच्छे से जला देना है इसमें से, क्योंकि अगर इसमें पानी रह गया तो ये एकदम इसमें जो स्वाद आपको चाहिए वह स्वाद नहीं मिल पाएगा, पानी पानी वाला एक स्वाद आएगा इसमें। तो आप धीमी आंच पर इसके पानी को अच्छे से जला लें। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एकदम घुटी भी नहीं है, ये हलवा घुटा भी नहीं है और एकदम खड़ा खड़ा भी नहीं, क्योंकि अगर इसमें गाजर खड़ी खड़ी दिखेंगी तो भी ये अच्छा नहीं लगेगा, ना देखने में ना खाने में। तो बस इसी तरीके से आपको अगर हो सके तो आप बड़े छेदों की साइड से ही कद्दूकस करें गाजर। और यहाँ पर मैं ये खोया डाल रही हूँ, खोए को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। अब यहाँ पर ये तैयार हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो आप इसको बनाएं, खाएं, खिलाएं और उसके स्वाद का मज़ा लें। Thank you for watching this video.